पूरी दुनिया में कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर लोग 6 कॉन्टिनेंट्स में घूमने जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अंटार्कटिका घूमने जाते हैं। अंटार्कटिका, जिसे हम भारत में अंटार्कटिका कहते हैं, वो दुनिया का सबसे ठंडा और सुनसान महासागर स्थल है। अंटार्कटिका साउथ पोल के आसपास फैला हुआ है और ये एक फ्रोजन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। अंटार्कटिका का उपयोग स्टडी, रिसर्च और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में होता है। यहाँ पर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है और ये जगह पेंगुइन, सील्स और अलग अलग प्रकार के बर्ड्स जैसे एल्बाट्रॉस का घर है। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या कोचर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इंडिया से अंटार्कटिका कैसे जा सकते हैं और इतनी अलग जगह का कैसे मजा ले सकते हैं। अंटार्कटिका जाने के लिए बेस्ट टाइम होता है नवंबर से मार्च के बीच, क्योंकि तब वहां समर होता है और वेदर ज्यादा अच्छा होता है। अंटार्कटिका जाने के लिए आपको एक क्रूज ऑपरेटर चूज करना होगा। कुछ पॉपुलर ऑपरेटर्स हैं जैसे क्वाक एक्सपीडिशंस, ओशन वाइड एक्सपीडिशंस और हर्टीग्रटन। आप इनके रिव्यूज, आइटनरीज और कॉस्ट कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि उस वक्त आपके लिए क्या बेहतर है। इंडिया से अंटार्कटिका तक का करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए टूरिस्ट को पहले अर्जेंटीना के शहर उशविया तक फ्लाइट से जाना पड़ेगा। हालांकि टूरिस्ट इंडिया से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होते हुए भी अंटार्कटिका पहुंच सकते हैं, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी और चीपर प्राइस की वजह से अर्जेंटीना लोगों का प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है। इन सभी डेस्टिनेशंस के लिए मेजर एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, कतर, ब्रिटिश एयरवेज, एयर इंडिया की फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, जिनकी राउंड ट्रिप की कॉस्ट तकरीबन 80,000 से 1.5 लाख पड़ सकती है और इसमें टोटल समय लग सकता है 20 से 30 घंटे, जिसमें लेओवर्स भी इंक्लूड होते हैं। उशविया से अंटार्कटिका पहुंचने के लिए आपको क्रूज लेना पड़ेगा, जिन्हें कई कंपनियां ऑपरेट करती हैं, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल होती है। इस क्रूज पैकेज में मील्स, अकोमोडेशन, गाइडेड एक्सकर्शंस और रेंटल गेयर्स इंक्लूड होते हैं। इस पूरे पैकेज का प्राइस करीब 4 लाख से 12 लाख तक का हो सकता है। अब आपको वीजा और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताते हैं। अर्जेंटीना चिली वीजा, पहले आपको अर्जेंटीना या चिली का वीजा लेना होगा, जिसकी कॉस्ट लगभग 7,000 से 10,000 आएगी और इसे प्रोसेस होने में 10 से 15 दिन लगेंगे। अंटार्कटिका जाने के लिए कोई स्पेसिफिक वीजा नहीं चाहिए, लेकिन क्रूज ऑपरेटर आपके डॉक्यूमेंट्स हैंडल जरूर करेगा। ये जरूरी है कि अंटार्कटिका का ट्रिप एक्सपेंसिव और रिस्की होता है, तो इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। आपको इंश्योरेंस की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगी 8,000 से 25,000। अगर हम टोटल एस्टिमेटेड बजट लगाएं तो मिनिमम आपकी ट्रिप की कॉस्ट पड़ सकती है 5 लाख और अगर हम मैक्सिमम इसका बजट लगाएं तो आपकी कॉस्ट पड़ सकती है 14 लाख। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है और आपके स्पेसिफिक चॉइसेस पर डिपेंड करेगी। एडवांस प्लानिंग और बुकिंग से कॉस्ट थोड़ी कम हो सकती है। अंटार्कटिका को कोई एक कंट्री रूल नहीं करती है, ये एक यूनिक कॉन्टिनेंट है जिसे अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाता है। अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम आखिर क्या है? ये ट्रीटी 1961 में इन्फोर्स हुई थी और अब तक 54 देश इसको साइन कर चुके हैं। इसका मेन पर्पस है कि अंटार्कटिका को पीस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रिजर्व किया जाए। इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। नो मिलिट्री एक्टिविटी, अंटार्कटिका पे कोई मिलिट्री एक्टिविटी, वेपन्स टेस्टिंग या मिलिट्री बेसिस अलाउड नहीं है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और पोल्यूशन को मिनिमाइज करना। साइंटिफिक रिसर्च, फ्री एक्सेस और कॉरपोरेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। नो सॉवरनिटी क्लेम्स, कोई भी कंट्री नए टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं कर सकती है और एग्जिस्टिंग क्लेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। यहाँ पर दो की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहली साइंटिफिक कमिटी ऑन अंटार्कटिक रिसर्च यानी SCAR, ये साइंटिफिक रिसर्च कोऑर्डिनेट करने और प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम्स यानी COMNAP, ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करता है। कुछ कंट्रीज ने अंटार्कटिका को अपना क्लेम भी दिया है, जैसे कि UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, चिली और अर्जेंटीना, लेकिन ये क्लेम्स अंटार्कटिक ट्रीटी के अंडर फ्रीज कर दिए गए हैं, मतलब इनको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के अंदर ही अंटार्कटिका का गवर्नेंस होता है, जिसे इंश्योर किया जाता है कि ये कॉन्टिनेंट सिर्फ पीसफुल और साइंटिफिक पर्पस के लिए ही यूज होगा।
बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।